तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज केराटोकोनस। नाउ केराटोकोनस मतलब हो रहा है, केराटो मीन्स कॉर्निया, कोनस मीन्स एक कॉनिकल अपीरेंस। तो जब कॉर्निया कॉनिकल हो जाती है तब उसको केराटोकोनस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई, कॉनिकल कॉर्निया इज अ प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लेमेटरी बायलेटरल एक्टेटिक कंडीशन ऑफ द कॉर्निया इन इट्स एक्सियल पार्ट। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड प्रोग्रेसिव स्लोली। मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्निया का कॉनिकल होना है वो एक प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन नहीं है इसमें। ये बायलेटरल होता है यूजुअली, कभी कभी यूनिलेटरल भी हो सकता है। और ये एक एक्टेटिक कंडीशन ऑफ द कॉर्निया, मतलब जहाँ पर कॉर्निया की स्ट्रेचिंग हो रही है, कॉर्निया खिंच रही है, डिस्टेंशन हो रहा है कॉर्निया का। और बेसिकली ये एक्सियल पार्ट में होता है। अब आते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इसके कॉजेज़ जो होते हैं वो डेवलपमेंटल हो सकते हैं, डीजेनरेटिव हो सकते हैं, हेरिडेटरी डिस्ट्रोफीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर एंडोक्राइन एनामलीज की वजह से हो सकता है। भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से डिजीज़ एसोसिएटेड हैं इससे। अब आते हैं एसेंशियल पैथोलॉजिकल चेंज जो कि दिखते ही दिखते हैं इस कंडीशन में। पहला होता है प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ, एंड दूसरा होता है एक्टेसिया। देखो क्या होता है कि डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का और कॉलेजन टिश्यूज़ का, उसकी वजह से क्या होता है कॉर्निया खिंचती है। जब कॉर्निया खिंच रही है मतलब स्ट्रेच हो रही है तो वो थिन हो जाएगी। कोई भी हम जैसे हम पॉलीथिन को ही स्ट्रेच करते हैं जब, तो वो थिन होने लगती है और धीरे धीरे फट जाती है। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। तो प्रोग्रेसिव थिनिंग होती है और एक्टेसिया मतलब डिस्टेंशन होता है। तो ये हो गया एसेंशियल पैथोलॉजिकल चेंज, जो दो आपको याद ही रखने हैं। फिर हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स अगर देखेंगे तो एक होता है डिफेक्टिव विजन, दूसरा होता है ब्लर्ड विजन, और तीसरा होता है विजन लॉस। डिफेक्टिव विजन जो होता है वो ड्यू टू प्रोग्रेसिव मायोपिया एंड इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म की वजह से हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब कॉर्निया स्ट्रेच हो रही है तो जो एक्सियल लेंथ है आई की वो बढ़ रही है, वो जब बढ़ेगी तो मायोपिया हो जाएगा। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिव कंडीशन, केराटोकोनस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, तो उसी जैसे जैसे वो खिंचेगा वैसे वैसे मायोपिया भी प्रोग्रेस करेगा। दूसरा इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म होगा, क्यों, क्योंकि अब कॉनिकल हो गया है ना तो लाइट डिफरेंट एंगल से फोकस होगी तो उसकी वजह से एस्टिगमेटिज्म डेवलप हो जाएगा। और विजन ब्लर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब लाइट डिफरेंट एंगल से पड़ती है तो वो ग्लेयर कराएगी, हैलोस कराएगी, ऑकुलर इरिटेशन होगा, उन सब वजहों से क्या होगा कि विजन जो होगा ब्लर हो जाएगा। आपको बहुत तेज़ चौंध लग रही है आँख में, या फिर छल्ले छल्ले रंगीन छल्ले दिख रहे हैं, तो उन सब से विजन ब्लरिंग हो जाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर आपका विजन का लॉस हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा लेट कंडीशंस में पहुँच जाएगी। अब आते हैं साइंस में। तो यहाँ चार हॉलमार्क फीचर्स हैं जो कि होने ही होने चाहिए केराटोकोनस में। पहला है सेंट्रल एंड पैरासेंट्रल स्कोटोमा, मतलब स्कोटोमा मींस एरिया ऑफ नो विजन। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होके इतना हो जाता है कि कोई विजन बचता ही नहीं है सेंट्रल और पैरासेंट्रल एरियाज में। फिर होता है स्ट्रोमल थिनिंग, जो कि अभी हमने देखी कि कॉर्निया स्ट्रेच हो रही है उसकी वजह से थिनिंग होगी। फिर होता है एपिकल प्रोट्रूशन ऑफ द एंटीरियर कॉर्निया, मतलब ये एक्सियल पार्ट में हो रहा है ना, तो आगे की जो कॉर्निया है वो एक उसका एपिकल प्रोट्रूजन हो गया, वो मतलब आगे की तरफ कोन की तरह कोन जैसे शेप में निकल आती है। और फिर होगा इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म। फिर अगर हम देखें यहाँ पर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि कॉर्निया में एक कॉमन रिफ्लेक्स होता है लाइट रिफ्लेक्स की, मतलब जैसे कि कोई भी सब्सटेंस कॉर्निया को टच करेगा तो कॉर्निया अपने आप ब्लिंकिंग हो जाती है आई की। तो वो रिफ्लेक्स जो होता है वो केराटोकोनस में डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है, हैम्पर हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब कॉर्निया इतनी ज़्यादा कॉनिकल हो गई कि आईलेट ब्लिंक कर ही नहीं पा रही है। तो विंडो रिफ्लेक्स या फिर कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स इज डिस्टॉर्टेड इन केराटोकोनस। फिर होता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में, अगर आप देखोगे तो आपको फ्लीशर्स रिंग मिलेंगी एट द बेस ऑफ द कोन ऑफ द कॉर्निया, और वोक्स लाइन भी मिलती हैं। फ्लीशर्स रिंग मतलब आयरन डिपोजिशन वाली ये रिंग्स होती हैं, जो कि यहाँ पर एक पैथोलॉजी है जो दिखती है। उसी तरह से वोक्स लाइन भी एक पैथोलॉजी है। फिर होता है रेटिनोस्कोपी, अगर आप करोगे तो उसमें आपको यॉनिंग रिफ्लेक्स या फिर सीजर रिफ्लेक्स मिलेगा। रेटिनोस्कोपिक में रहे हम एक स्ट्रीक ऑफ लाइट डालते हैं आँख में, तो वो उसकी जब मूवमेंट करेंगे तो सीजर जैसी मूवमेंट होगी, जैसे कैंची खुलती बंद होती है वैसे ही इसकी मूवमेंट भी होगी, जैसे कि ऐसे कैंची है खुल बंद हो रही है ऐसे ही उसकी भी मूवमेंट होगी, जैसे मेरी परछाई देख रहे हैं आप फिंगर्स की वैसे ही।
फिर आते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी, जब करेंगे तो वहाँ पर एनुलर डार्क शेडोज़ मिलती हैं, और ये एनुलर डार्क शेडोज़ जो होती हैं ये सेपरेट करती हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल एरियाज ऑफ कॉर्निया, तो वो एक ऑयल की ड्रॉपलेट जैसी दिखती है जिसको ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि हमको डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी में मिलता है। फिर आते हैं मुनसन साइन। मुनसन साइन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट नीचे देखेगा लोअर गेज में, डाउन गेज में, तो जो लोअर लिड होगी वो बल्ज कर जाएगी और वो वीक वी शेप ले लेती है, तो इट इज़ लोकलाइज बल्जिंग ऑफ द लोअर लिड व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन इन इज पॉजिटिव इन द लेट स्टेजेस। ये बहुत लेट स्टेजेस में पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो पेशेंट है नीचे देख रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लोअर लिड है ये बल्ज कर गई और ये देखिए वी शेप ले ली। इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस फोटो में ये प्लेसिडो डिस्क्स हैं। प्लेसिडो डिस्क एग्जामिनेशन में हमको यहाँ पर इररेगुलर सर्कल्स मिल रहे हैं, अगर वैसे नॉर्मल होती कॉर्निया तो ऐसे गोल गोल सर्कल्स होते, यहाँ पर लेकिन इररेगुलर सर्कल्स मिल रहे हैं हमें ऐसे ऐसे, और ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कॉर्निया कैसे आपकी कॉनिकल हो गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम केराटोमेट्री करते हैं। केराटोमेट्री में हम देखते हैं कि कॉर्निया, वैसे तो केराटोमेट्रिक मेजरमेंट कॉर्निया की 45 डायप्टर्स होती है, पर केराटोकोनस होने की वजह से हम उसकी अगर वैल्यूज़ देखें तो अगर माइल्ड केराटोकोनस है तो लेस देन 48 डायप्टर्स वैल्यू होगी, मॉडरेट है तो 48 टू 54 डायप्टर्स वैल्यू होगी, और सीवियर है तो ग्रेटर देन 54 होगी। ठीक है, अब आते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। कॉर्नियल टोपोग्राफी जो किया जाता है वो स्टडी ऑफ द शेप ऑफ द कॉर्नियल सरफेस देखने के लिए किया जाता है, तो इस कंडीशन में केराटोकोनस में वहाँ पर हमें मिलेंगे फॉर्मे फ्रूस्टे। फॉर्मे फ्रूस्टे क्या होता है, इट रेफर्स टू द अर्लीस्ट सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ केराटोकोनस दैट इज डिटेक्टेड ऑन टोपोग्राफी, तो ये सबसे पहले केराटोकोनस में जो चेंज आता है उसको हम फॉर्मे फ्रूस्टी कहते हैं, जो कि सब क्लिनिकल होता है, मतलब वो इफेक्ट भी नहीं करता उस पेशेंट को इतना, तो उसको कहते हैं फॉर्मे फ्रूस्टी। फिर उसके बाद दोस्तों हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं केराटोकोनस का। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है, इसमें पहले निपल कोन हो सकता है जिसमें लेस देन 5 mm का होता है, ये साइज एंड शेप ऑफ द कोन जो है वो लेस देन 5 mm है और शेप जो है वो स्टीप कर्वेचर है। ओवल कोन जो होता है वो 5 to 6 mm का होता है और इसमें एलिप्सॉइड शेप होता है कोन का, और ग्लोबस कोन जो होता है वो 6 mm से भी बड़ा होता है और ये ग्लोब लाइक शेप होता है कोन का। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पर एक ही कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट हाई ड्रॉप्स, वो तब जब देखो कॉर्निया स्ट्रेच कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाएगी तो वो रप्चर हो जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पर एक्यूट हाई ड्रॉप्स होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ द डेस्मस मेम्ब्रेन। इट अकर्स टू सडन डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्नियल एडिमा विद मार्क डिफेक्टिव विजन, पेन, फोटोफोबिया, लक्राइमेशन। अचानक से बहुत ज़्यादा कॉर्नियल एडिमा डेवलप होता है, पेन होता है, फोटोफोबिया होगा, लक्राइमेशन होगा और डेस्मस मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, इसको एक्यूट हाई ड्रॉप्स कहते हैं। फिर आते हैं एसोसिएशंस। तो ये केराटोकोनस जो है वो या तो ऑकुलर कंडीशंस में होता है या फिर सिस्टमिक कंडीशंस में होता है। तो ऑकुलर कंडीशंस हम लोग कौन कौन सी आसानी से याद कर सकते हैं देखते हैं, तो है एक्टोपिया लेंटिस, मतलब लेंस अपनी पोजीशन पे नहीं है, या फिर कंजनाइटल कैटरैक्ट, या फिर एनेरिडिया, या फिर वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो इसमें से बेसिकली आप याद कर सकते हो आसानी से कंजनाइटल कैटरैक्ट, वीकेसी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये आसान है याद करना। फिर सिस्टमिक कंडीशंस में आप देखो जैसे कि मार्फन सिंड्रोम दिया हुआ है, एटोपी है, आस्मा है, एक्जिमा, हे फीवर, डाउन सिंड्रोम, एहलर्स डैनलॉस सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मिट्रल वेल प्रोलैप्स। तो जो भी आपको आसान लगता है जैसे कि डाउन सिंड्रोम आसान है, आस्मा आसान है, हे फीवर, एक्जिमा, मार्फन सिंड्रोम, ये सब याद करे जा सकते हैं। यह है ऑकुलर और सिस्टमिक कंडीशंस जिसमें कि केराटोकोनस देखने को मिलता है। फिर आते हैं दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट में। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो या तो स्पेक्टिकल्स, चश्मे लगा के ठीक किया जा सकता है, जो कि लेकिन सिर्फ अर्ली केसेस में इफेक्टिव होता है, लेट केसेस में इफेक्टिव नहीं होता। फिर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं जो कि रिजिड गैस परमिएबल होने चाहिए। फिर एक चीज़ होती है इंटैकस। इंटैकस में क्या होता है कि हम इंट्रा कॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स यूज़ करते हैं, गोल गोल रिंग्स होती हैं जैसे ब्रेसेस टीथ में लगाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर कॉर्निया में रिंग्स लगाई जाती हैं जो कि एक फ्लैटनिंग इफेक्ट देती हैं कॉर्निया को, ठीक है, और केराटोकोनस इम्प्रूव करता है। फिर एक चीज़ होती है कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन एंड यूवी ए रेज।
ये एक प्रोसीजर होता है जो कि सिर्फ स्लो कर देता है डिजीज़ के प्रोग्रेशन को, इम्प्रूव नहीं करता। फिर केराटोप्लास्टी हम कर सकते हैं, कॉर्निया में हर पैथोलॉजी में आप केराटोप्लास्टी कर सकते हैं जिससे कि ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। तो ये डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं या फिर पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। थैंक यू दोस्तों।